वो खिलाड़ी जो अपने से पहले टीम के लिए खेला, एक वो खिलाड़ी जो अपने शतक से पहले टीम को वर्ल्ड कप ट्रॉफी जिताने के लिए खेला, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आज लोग उस प्लेयर से इतनी नफरत करने लगे जिसने टीम इंडिया के लिए 2007 के T20 वर्ल्ड कप फाइनल में परफॉर्म किया और उसके बाद साल 2011 के ओडीआई वर्ल्ड कप के फाइनल में भी मैच जिताने वाली पारी खेली। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि कैसे टीम इंडिया का हीरो गौतम गंभीर बने टीम इंडिया फैंस के लिए एक सबसे बड़े विलेन। देखिए बात बिल्कुल साफ है कि अपने करियर के शुरुआती दिनों से ही गौतम गंभीर थोड़े एग्रेसिव प्लेयर रहे हैं। फिर चाहे साल 2007 में पहली बार इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के कानपुर में खेले गए मैच में पाकिस्तानी ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी से वर्ड एक्सचेंज करना हो या फिर साल 2010 में कामरान अकमल को मिडिल फिंगर दिखाना हो। तो धचका भी लगा, गौतम गंभीर जो है वो आंखों में आंखें डाल के बात करना चाह रहे हैं। बेयर साइड चेक कंटिन्यूड एंड बिली बैडन जब साल 2011 में टीम इंडिया 28 साल बाद वनडे वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतती है और महेंद्र सिंह धोनी उस फाइनल मैच में 91 रनों की पारी खेलते हैं और छक्के के साथ मैच फिनिश करते हैं, इसके बाद लोग इंडिया की जीत का श्रेय धोनी को देते हैं। जिस पर जब गौतम गंभीर से सवाल किया जाता है तो इस पर गौतम गंभीर एक सबसे बड़ा बयान देते हैं। एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया, सचिन तेंदुलकर हाईएस्ट रन गेटर है, युवराज सिंह मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे, हरभजन सिंह, जहीर खान, वीरेंद्र सहवाग, विराट कोहली सब खिलाड़ियों ने अपनी कंट्रीब्यूशन करी। अगर आप पूरी कंट्रीब्यूशन देखें, इस स्टेटमेंट के बाद बहुत से लोगों ने गौतम गंभीर को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया, लेकिन इसमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका मानना था कि गंभीर की बातें बिल्कुल सही है, क्योंकि 2011 के वर्ल्ड कप में सभी प्लेयर्स ने परफॉर्म किया था लेकिन क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ एमएस धोनी को ही दिया गया। और वर्ल्ड कप एक खिलाड़ी कभी भी नहीं जीता, वर्ल्ड कप एक खिलाड़ी जिता भी नहीं सकता, वर्ल्ड कप एक शॉट जिता भी नहीं सकता। आईपीएल 2013 में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसमें इंडियन टीम के दो बड़े प्लेयर आपस में भिड़ते नजर आए। दरअसल हुआ ऐसा कि आरसीबी वर्सेस केकेआर टीम के बीच मैच चल रहा था और आरसीबी की टीम टोटल चेंज कर रही थी, लेकिन जब विराट कोहली सिर्फ 35 रनों पर आउट होते हैं तो उसके बाद विराट और गंभीर आपस में बहस करते दिखाई देते हैं, वर्ड एक्सचेंज करते दिखाई देते हैं। इस इंसिडेंट में कुछ लोगों ने विराट को और कुछ लोगों ने गंभीर को सपोर्ट भी किया। साल 2023 का आईपीएल एक और नई कॉन्ट्रोवर्सी अपने साथ लेकर आता है। आरसीबी और एलएसजी आमने सामने होती है, जहां पहले राउंड में एलएसजी आरसीबी को एक थ्रिलिंग मैच में हराकर एक एग्रेसिव सेलिब्रेशन करते हैं, लेकिन इसके बाद जब दोबारा दोनों टीमें आमने सामने होती हैं तो आरसीबी एलएसजी पर भारी पड़ती है और विराट कोहली हर एक एलएसजी के विकेट गिरने पर अग्रेसिव अंदाज में एंजॉय करते नजर आते हैं, जिसके बीच विराट और नवीन उठाक में वर्ड एक्सचेंज होते हैं और देखते ही देखते ये बहस बहुत बढ़ जाती है। और मैच खत्म होने के बाद जब सारे ही दोनों टीमों के प्लेयर्स आपस में हैंडशेक करते हैं, उस समय विराट कोहली और नवीन उठाक एक बार फिर लड़ाई में नजर आते हैं, बहस करते नजर आते हैं। उसके बाद इस लड़ाई में होती है गौतम गंभीर की एंट्री, जहां गौतम गंभीर अपने कुछ प्लेयर्स को लेके अलग चले जाते हैं, फिर विराट कोहली, नवीन उठाक और साथ ही गौतम गंभीर आपस में भिड़ते नजर आते हैं, जहां दोनों के बीच में बहस होती है, जिसको लेकर एक वीडियो भी सोशल मीडिया पे खूब वायरल हुई थी। लोगों को लगा था कि 2023 की लड़ाई विराट और गंभीर की आईपीएल 2024 में भी नजर आएगी, लेकिन 2024 आईपीएल में सब कुछ बदल गया, क्योंकि गंभीर केकेआर के मेंटोर बने और जब आरसीबी और केकेआर का मैच हुआ तो दोनों आपस में गले मिलते नजर आए, जिसके बाद चीजें सही होती नजर भी आई। गंभीर जैसे खिलाड़ी रहे हैं वो कोच और मेंटोर भी वैसे ही रहे हैं, चाहे फिर वो बतौर प्लेयर T20 वर्ल्ड कप में वर्ल्ड कप जीतना हो या फिर बतौर कप्तान आईपीएल की ट्रॉफी जीतना हो और फिर केकेआर को एज मेंटोर 2024 में चैंपियन बनाना रहा हो। गौतम गंभीर का शुरू से ही कहना रहा है कि हमारा देश हमेशा से ही प्लेयर ऑब्सेस्ड रहा है और जब तक ऐसा रहेगा तब तक टीम बड़े इवेंट्स यानी कि आईसीसी वनडे T20 वर्ल्ड कप्स नहीं जीत पाएगी। कंट्री इज ऑब्सेस्ड विद स्टार्स, जब तक आप स्टार्स का ऑब्सेशन खत्म नहीं करोगे तब तक आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। 12 साल हो गए भारत को वर्ल्ड कप जीते हुए और वो रीजन सिर्फ ये है क्योंकि अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली इट्स अ वेरी बिटर ट्रुथ। और अब गौतम गंभीर टीम इंडिया के नए हेड कोच भी हैं और जिस अंदाज में गंभीर ने टीम इंडिया के लिए क्रिकेट खेला है
उम्मीद है कि वो उसी तरह से टीम इंडिया को गाइड भी करते नजर आएंगे आने वाले बड़े आईसीसी इवेंट्स में, चाहे फिर वो ओडीआई वर्ल्ड कप हो, टी20 वर्ल्ड कप 2026 का हो, WTC का फाइनल हो, या उसके बाद इसका वनडे वर्ल्ड कप हो, ये सारी चीज़ों में गौतम गंभीर की मेंटोरशिप और उनका जो हेड कोच के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो टीम इंडिया को जरूर करनी चाहिए, क्योंकि हमेशा से ही उनका एक स्टैंड सबसे ज़्यादा रहा है कि वो एक टीम को बना के चलेंगे, एक कोर को बना के चलेंगे और टीम को कैसे चैंपियन बनाएंगे, उनका विजन बिल्कुल क्लियर रहा है शुरू से ही। इस बारे में आप लोगों की क्या राय है अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आपको ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे एक बार ऐसी ही नई वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।